गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 9 कर रहे हैं, तीन ठग। ठग क्या होता है? धोखेबाज, धोखाधड़ी करता है, चोर, जिसे इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो तीन ठग यानी तीन धोखेबाज लोग, जिसके बारे में हम इसमें देखेंगे। प्रस्तुत कविता में एक बूढ़े और बुढ़िया की है, प्रस्तुत कहानी एक बूढ़े और बुढ़िया की है, जिसमें तीन ठग बुढ़िया से उसकी गाय को बकरी बताकर उसे मूर्ख बनाते हैं और गाय को सस्ते दामों में खरीद लेते हैं। लेकिन बूढ़ा उन तीनों को उनकी करनी का सबक सिखाता है। देखो, ये जो तीन ठग कहानी है, इसमें ये जो बूढ़ा और बुढ़िया है, ठीक है, दो हस्बैंड वाइफ है, बूढ़ा और बुढ़िया, ये क्या होते हैं, ठग जाते हैं, यानी इनको मूर्ख बना दिया जाता है। कौन मूर्ख बनाता है? वो तीन ठग, वो चोर बनाते हैं। किस तरह से मूर्ख बनाते हैं कि वो जाती है गाय बेचने, लेकिन उसे क्या बता देते हैं कि ये तो बकरी है, तो इसलिए वो सस्ती बिक जाती है, बेच लेते हैं उसको। और फिर बूढ़ा जो है वो बहुत क्लेवर टाइप का इंसान होता है, यानी बहुत चतुर होता है, और वो उनको सबक सिखाता है। रामपुर गाँव में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। कौन रहता था? एक बूढ़ा और बुढ़िया। बुढ़िया शरीर से तंदुरुस्त थी, यानी वो हड्डी कट्टी अच्छी थी, तंदुरुस्त थी, तो बूढ़ा दिमाग से और बूढ़ा बहुत क्लेवर था। एक दिन उन्हें कुछ धन की आवश्यकता आ पड़ी। एक दिन क्या हुआ, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, जाओ गाय लेके बाजार में बेच आओ। बुढ़िया लेकर चल। अब देखो, बूढ़े ने बुढ़िया से क्या बोला कि जाओ ये गाय, अब उनको पैसों की नींद पड़ गई थी, तो जो बूढ़ा है उसने बुढ़िया को बोला कि भाई अपने पास गाय है, इस गाय को बेच लो, जो अपने पास पैसा आएगा उसे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बुढ़िया चल ली उसे बेचने के लिए। उसी गाँव में तीन ठग रहते थे, मैंने बताया ठग कौन होते हैं, धोखेबाज। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि बुढ़िया गाय को बेचने जा रही है। अतः उन ठगों ने बुढ़िया को ठगने की योजना बनाई है कि उन्हें धोखेबाजी यानी मूर्ख बनाया, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो जब ये बुढ़िया जा रही थी, तो उन ठगों ने देखा कि भाई ये तो गाय बेचने निकली है, तो इन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने तरकीब सोची कि इसे हम मूर्ख कैसे बनाए। योजना अनुसार तीनों ठग गाँव से बाजार जाने वाले रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। अब देखो, उन्होंने क्या योजना बनाई कि सब दूर दूर थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, मतलब एक इस कॉर्नर पर खड़ा है तो वो थोड़ा आगे, तो तीन ठग थे ना, तो वो तीन जगह खड़े हो गए। बुढ़िया गाय को लेकर बाजार जा रही थी। जब रास्ते में वह पहले ठग के समीप पहुंची, तो ठग ने बुढ़िया से कहा, अम्मा क्या इस बकरी को बेचने के लिए जा रही हो? अब देखो, इसे मूर्ख कैसे बनाया। सबसे पहले तो जो पहला ठग, जैसे वो बुढ़िया जा रही थी बाजार में, तो उसने ठग ने क्या बोला बुढ़िया से कि क्या तुम इस बकरी को बेचने जा रही हो, बोलो इसकी क्या कीमत लगेगी, मतलब इसकी क्या कीमत होगी, जबकि वो बकरी थी नहीं, वो तो गाय थी। बुढ़िया लाल पीली होकर गुस्सा होकर बोली, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता यह बकरी नहीं गाय है। अब वो तो उन्हें मूर्ख बना रहे थे, तो फिर बुढ़िया को पता था कि भाई ये तो गाय है, बकरी थोड़ी है। उसने बोला, तुम्हें दिखता नहीं है कि ये तो बकरी है? ठग बोला, अम्मा बुढ़ापे में सुखिया गई हो, जो बकरी को गाय बता रही हो, यदि इसे बेचना चाहती हो तो मुझे बेच दो। अब ठग क्या बोला कि तुम तो बूढ़ी हो, तुम सुखिया गई हो, ये गाय थोड़ी है, ये बकरी है। यह सुनकर बुढ़िया अपनी छड़ी उठाकर ठग की ओर लपकी और भाग गया। अब उसे गुस्सा आ गया कि गाय को ये बकरी बता रहा है, तो अपनी जो स्टिक थी वो उसको मारने में पकड़ी, तो भूतने में भाग गया। बुढ़िया थोड़ी दूर चलती तो दूसरा ठग उसके पास आया। अब वो थोड़ा थोड़ा दूर खड़े थे ना, तो वहां पे दूसरा ठग आया। अब दूसरा ठग क्या होगा, भाग के कैसे कैसे दूर दिखलाता है, बेचारी बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में बकरी के लिए घूमना पड़ रहा है। अब देखो, जो दूसरा ठग है यानी दूसरा जो चोर है, वो क्या कहता है कि कितने बुरे दिन आ गए हैं, बेचारी बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में बकरी को लेकर घुमाना पड़ रहा है। फिर वो बकरी बोली, फिर वह बुढ़िया बोली, माँ जी आप क्यों कष्ट उठा रहे हो, यदि आप इसे बेचना चाहती तो मुझे बेच दीजिए, मैं इसका दाम बता दूंगा। अब दूसरे ठग ने उसे मूर्ख बनाया, बोला ये बकरी को बेचारी को मारिए, देखो कैसे कैसे दिन आ गए, और अगर आपको इसे बेचना है तो मुझे बेच दीजिए, मैं इसका दाम बता दूंगा, यानी मैं इसके पैसे बता दूंगा कि तुम्हें कितने पैसे दूंगा। किंतु बुढ़िया ने मानी और उसने इस ठग को भी
नमकाकर भगा दिया। अब जो दूसरा ठग था उसे भी बोल दिया कि ये गाय नहीं है, ये बकरी नहीं है, ये गाय है, और उसे भी भगा दिया। ठग तो भाग गया लेकिन बुढ़िया सोच में पड़ गई। अब देखो सब एक ही चीज बोलेंगे कि भाई ये तो बकरी है बकरी, तो एक बार के लिए बुढ़िया ने भी सोचा कि ये बकरी है क्या, तो इसलिए सोच में पड़ गई कहीं ऐसा तो नहीं ये बकरी ही हो, आखिर लोग झूठ झूठ तो बोलेंगे नहीं। बुढ़िया कुछ और आगे चली तो तीसरा ठग आया, उसने बोला मालकिन क्या आपको बकरी का दूध अच्छा नहीं लगता जो आप बेचने के लिए जा रही हो, यदि आप बुरा ना माने तो मैं इस बकरी को खरीद सकता हूँ। अब तीसरा ठग क्या बोला कि क्या आपको बकरी का दूध अच्छा नहीं लगता क्या, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो मुझे दे दो, मैं इस बकरी को खरीद सकता हूँ। अब बुढ़िया को भी विश्वास हो गया कि वह गाय नहीं बल्कि बकरी है। अब सब बोलेंगे कि भाई ये गाय नहीं है बकरी, गाय नहीं, तो एक बार के लिए इंसान को भी सोचना पड़ेगा। तो वैसे बुढ़िया को भी अब तो विश्वास हो गया कि सच में गाय नहीं है, क्या है बकरी है। वह ठग की बातों में आ गई, उसने गाय को बकरी समझकर तीसरे ठग के हाथों औने पौने दामों में बेच दिया, यानी थोड़े बहुत दामों में बेच दिया, क्योंकि गाय तो बहुत महंगी होती है लेकिन बकरी की इतनी कीमत नहीं होती है, तो उसने बकरी की कीमत के हिसाब से उसे बेच दिया। बुढ़िया घर लौट आई, बूढ़े ने पूछा तो बताओ गाय के कितने रुपए मिले, तो बुढ़िया ने बूढ़े की और क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए कहा तुम वाकई शंका गए हो जो बकरी को गाय बता रहे हो। अब देखो उसने बकरी समझ गाय को बकरी समझ के बेच दिया क्योंकि तीनों ठगों ने उसे मूर्ख बनाया। अब वो जब घर आए, घर आके उसने बूढ़े ने उससे पूछा कि गाय की कितनी कीमत मिली, तो फिर गुस्से में किसने देखा, बुढ़िया ने बूढ़े की तरफ देखा कि तुम तो सत्या गए हो, गाय नहीं वो बकरी थी, ठीक है, लेकिन लोगों का दिमाग तो ठीक है, जब उन्होंने मुझे बताई दिया कि वो गाय नहीं बकरी है, उसको मैंने एक भले आदमी के हाथों बेच दिया। अब बुढ़िया ने क्या बोला कि वो गाय थी वो बकरी थी और लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, इसलिए मैंने किसी अच्छे आदमी के हाथों उसे बेच दिया, ठीक है। तो जो अब इसके आगे का हम चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, अभी आपको यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करनी है चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, हैव नाइस।